हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज के इस मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में मैं एक ऐसे मेडिसिन के बारे में बात करने वाला हूँ, ये आपको तब काम आएगा जब आपको वोमिटिंग हो रही है मोशन सिकनेस की वजह से, जब आप कहीं ट्रेवल करते हो, कार में बैठते हो, बस में बैठते हो और वो गोल गोल ऊपर घूमती है तो फिर आपको वोमिटिंग होने लगता है और आपको वो परेशानी बहुत परेशान करती है, तब के केस में काम आएगा। दूसरा, अगर आपको चक्कर आते हैं, आपको वर्टिगो होता है, असल तक सर पूरा घूम रहा है, तो भी ये दवाइयां आपके काम आएगी। और तीसरा, अगर आपको वेस्टिबुलर न्यूराइटिस की प्रॉब्लम हुई है जिसके कारण से आपका जो कान है, आपकी बॉडी का गेस्चर पोस्चर यानी कि बैलेंस नहीं बना पा रहा, तब की कंडीशन में भी ये दवाई आपके काम आएगी। तो आज के हमारे इस दवाई का ब्रांड नेम क्या है, ये है आपका सिंजीफोर्ट। सिंजीफोर्ट एक ब्रांड नेम है, यानी कि इसके नाम से हम इसको पहचान सकते हैं, लेकिन ये इसके काम करने का मॉलिक्यूल नहीं है, इसका सॉल्ट फॉर्म नहीं है। तो ऐसा क्या है इसके अंदर जो एक्चुअली में हमको काम करके देता है, जिसकी खुद की फार्माकोलॉजी है? तो इसके अंदर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सिनार्जिन टैबलेट, और ये वाला जो प्रोडक्ट मेरे हाथ में है वो इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बनाया गया है। तो इसमें सिनार्जिन है 75 mg है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया का क्या मतलब है? इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ये अलग अलग फार्माकोपिया हैं जो किसी प्रोडक्ट के बनने या उसके बनने के प्रोसेस के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को गाइडलाइन की तरह फॉलो करवाती हैं, या कह लूँ सीधा सीधा कि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को समझाती हैं कि क्या बनना है, कैसे बनना है। तो ये जो सिनार्जिन टैबलेट है वो किस कैटेगरी का आता है? ये है एंटी हिस्टामिन कैटेगरी का ड्रग। एंटी हिस्टामिन कहने का मतलब है ऐसे ड्रग जो हिस्टामिन की एक्टिविटी को नलीफाई कर रहे होंगे। हिस्टामिन का अपने रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होना, ये उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पांसिबल है। तो हमारी ड्रग उस हिस्टामिन को उसके रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होने से रोकते हैं। ये H1 एंटीहिस्टामिनिक होने के साथ साथ ये D2 एंटी डोपामिन रिसेप्टर भी काम करता है, मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे भी ब्लॉक करने का काम करता है, और ये तीनों जगह काम करके अपना एक्शन देता है। अब देख लेते हैं कि ये काम किस किस किस्म में करता है और कैसे काम करता है। जब कभी भी आप ट्रेवल कर रहे होते हो किसी कार पे, बाइक पे जनरली ये प्रॉब्लम नहीं देखी गई है, कार पे या तो फिर बस पे आप ट्रेवल करते हो जहां पे आप की बॉडी स्टेशनरी होती है, लेकिन व्हीकल जिस पर बैठे वो डेफिनेटली मूव कर रहा होगा, और मूव करने के साथ साथ वो अगर गोल 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 घूम रहा हो, जैसे शिमला, मनाली, ऊटी ऐसी जगह पे अगर आप जाओगे तो वहां पे जनरली पहाड़ चट्टान ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत सारे आते हैं। ऐसे केस में आपका कान का बैलेंस बिगड़ने लगता है। बेसिकली ईयर के इनर ईयर में एक फ्लूइड होता है जिसका काम होता है बॉडी को बैलेंस करना। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं दोनों पैरों में तो बेस्ट बिकॉज की इन्हीं मेरे जो वेस्टिबुलर पार्ट है वो अपना संतुलन बना के रखे हुए हैं, वो मैसेज प्रॉपरली मेरे ब्रेन भेज रहे हैं, इसलिए मैं अपना पोस्चर मेंटेन करके रखा हूं। लेकिन जब बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं तो शरीर घूमने लगता है। ये चीजें आपने बचपन में वो गोल गोल रानी वाला खेल होता था ना, उसको खेल के भी देखा होगा कि जब आप तेज गोल गोल घूमते हैं और बैठते हैं तो आपको लगता है पूरी दुनिया घूम रही है, लेकिन क्या पूरी दुनिया घूमती है? नहीं, आपकी बॉडी, आपका कान, आपका वेस्टिबुलर पार्ट बैलेंस नहीं बना पाता ऑल ऑफ द सडन इतने स्पीड मोशन में, इसलिए आपको चक्कर लगने लगते हैं। तो ये दवाई उस केस में जाकर के उस जो इनर ईयर में फ्लूइड है, ईयर फ्लूइड है, इसको बैलेंस करती है, इसके मूवमेंट को फॉलो करती है, इसलिए आपको चक्कर वहां पे कम आता है। दूसरा होता है वर्टिगो की प्रॉब्लम, जो इसी से मैच करती है, मोशन सिकनेस के साथ में ही मैच करती है। मोशन सिकनेस अगर आपको हो रहा है उसके पीछे कहीं कहीं वर्टिगो की प्रॉब्लम एसोसिएटेड है, यानी कि गोल गोल अगर आप घूमेंगे ज्यादा और खाना पीना कुछ खाया होगा तो वो वोमिटिंग हो जाएगी। अगर नहीं खाया है तो वोमिटिंग जैसा फीलिंग, नोजिया होगा या वोमिट आउट होगा, बट कंटेंट कुछ है नहीं, इसलिए केवल खाली वोमिटिंग का प्रोसेस मिमिक होगा, कंटेंट आउट बाहर नहीं आ पाएंगे। इसके बाद एक और प्रॉब्लम होती है वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे मैंने खुद सफर किया था और इसने मेरा काफी समय बर्बाद किया। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जब आप सो के उठते हो, जब कभी भी कुछ आप ऑल ऑफ सडन उठते हैं तो आपको लगता है कि जब आप आंखें खोल रहे हो तो आपके सामने पूरी दुनिया घूम रही है, आपको सीवियर चक्कर आने लगते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? हमारी बॉडी का फिर से वही लॉजिक काम आएगा। हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए वेस्टिबुलर पार्ट होता है जो हमारे कान के इनर ईयर में पाया जाता है, उसके साथ साथ कॉक्सिपिटल नर्व जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वेस्टिबुलर का काम होता है कि बॉडी को बैलेंस बना करके रखना। जब आप इधर झुकते हैं तो बॉडी मैसेज भेजती है आप बैलेंस करते हो, जब इधर झुकते हो तो बॉडी मैसेज करती है आपको बैलेंस बनाकर रखती है। लेकिन जब ये बिगड़ जाता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, सीवियर कोल्ड, सीवियर फ्लू, सीवियर फीवर, इन सब के कारण से, या कई बार ऐसे कारण के बारे में जानकारी ही नहीं होती है, पता भी नहीं चलता कि कारण क्या है। हालांकि बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, 100% रिकवरी रेट है, तो इससे आपको स्पिनिंग एक्टिविटी होने लगती है, गोल गोल घूमने लगता है। ऐसे केस में आजकल जो हमारा ड्रग है सिनार्जिन या सिंजीफोर्ड या कोई भी कंपनी का बनाया हुआ ड्रग, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट से हमको मतलब है, वो आपको रिलीफ देता है। इसका एक पर्टिकुलर डोज रेजिमेन होते हैं,
आपका डोज रेजिमन आपकी प्रॉब्लम की सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन या फिर 21 दिन कितना दिन आपका ड्रग देना है। जब कभी भी आपके ड्रग चलेंगे तो आपको कभी भी जब एहसास होने लगे कि हाँ मैं फीलिंग बेटर कर रहा हूँ, पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो आगे ड्रग डिसकंटिन्यू कर देता हूँ, ऐसा मत करिएगा। जब तक आपके डॉक्टर ने आपकी प्रॉब्लम को देख करके आपके रेस्पेक्टिवली ड्रग का रेजिमन डिसाइड किया है तब तक आपको ये दवाइयाँ लेनी है, बीच में बंद नहीं करनी है। और इन दवाइयों को जनरली खाना खाने के बाद लिया जाता है ताकि आपको जीआई अपसेट ना हो, एसिडिटी, पेट में दर्द, क्रैम्प, मरोड़ जैसी फीलिंग्स ना आए। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जिस समय भी आप इस दवाइयों को लेते हैं दिन में, हर दिन उसी समय लीजिएगा। सपोज आप 12 से 1 के बीच में लंच टाइम में लेते हैं या फिर 2 बजे के आसपास का लंच टाइम, जो भी आपका ऑफिस में लंच टाइम होता होगा उसके बाद लेते हैं, तो जिस समय पे सपोज आपने 2 बजे लिया पहले दिन, तो आपको हर दिन 2 बजे के आसपास 5-10 मिनट का फर्क चलता है, उस समय लेना चाहिए ताकि इसकी बायोबिलिटी इंश्योर हो सके, आपका साइकिल ऑफ द ड्रग जो है वो पूरा होके रह सके, मेंटेन रह सके। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि प्रॉब्लम समझ में आई होगी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ में आया होगा, इस ड्रग का मैकेनिज्म भी समझ में आया होगा। कोई भी ड्रग को सेल्फ तरीके से ना लें जब तक कि आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि ड्रग के काम करने के तरीके, बीमारियों के काम और बीमारियों के नाम, उनके साथ साथ उनकी सीवियरिटी, इनके ऊपर भी डिपेंड करती है। थैंक यू, टेक केयर।